कि योगी आदित्यनाथ सरकार खाने में थूकने वालों पर नकेल कसने के लिए अध्यादेश लाने वाली है। बावजूद इसके यूपी में थूक जिहाद की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला बाराबंकी से सामने आया है, जहां ढाबे में थूक कर रोटी बनाने का वीडियो सामने आया है। रोटी बना रहा युवक पहले रोटी पर थूकता है, इसके बाद तंदूर में रोटी को डालता है। वहां मौजूद किसी शख्स ने दूर से ये वीडियो बनाया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने होटल को सीज कर दिया है। वहीं इसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 22/10/2024 को जनपद बाराबंकी के थाना रामनगर के सूर्यामऊ क्षेत्र में से एक टिप ऑफ सूचना प्राप्त हुई हमारे फूड एंड सेफ्टी की टीम को जनपद बाराबंकी की, कि वहां पर एक ढाबे में एक व्यक्ति के द्वारा रोटी में थूक मिलाया जा रहा है। और यह वीडियो भी जब संज्ञानित हुआ तो तुरंत उस पर हमारे फूड एंड सेफ्टी कंट्रोल की टीम ने कार्य किया और उस ढाबे को सील किया। जो इसमें औपचारिक व्यक्ति है, अभियुक्त है, जिसका नाम मोहम्मद इरशाद है, यह जनपद बाराबंकी के फतेहपुर के नबीनगर का निवासी है। उसे हिरासत में लिया गया है और उसके विरुद्ध समुचित एवं सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला बाराबंकी के रामपुर थाना क्षेत्र के कस्बा सुढ़ियामऊ का है। यहाँ हाफिज ढाबा है। वायरल वीडियो में आरोपी शख्स को तंदूर के पास रोटी बनाते देखा जा सकता है, जो रोटी पर थूकते हुए दिख रहा है। शख्स पहले रोटी को हाथों से फैलाता है, फिर चुपके से उस पर थूक कर तंदूर में डालता है। किसी ने दूसरे वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शख्स मोहम्मद इरशाद बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नबीनपुर मोहल्ले का रहने वाला है। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई भी की है। बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि पुलिस ने उस होटल को बंद करा दिया है और पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी से पहले सहारनपुर, गाजियाबाद से भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर चुकी है। यहां तक कि सरकार ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए अध्यादेश भी ला रही है। बावजूद इसके आए दिन सामने आने वाली इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।